गल करते हैं लखीमपुर खीरी कांड की। लगातार इस मामले के उपर किसान मांग कर रहे हैं कि मुख मुलजम की गिरफ्तारी कदों होएगी। अज किसान आगू राकेश टिकैत भी लखीमपुर खीरी में सन, जिथे उन्होंने सरकार को दो टुक जवाब दे दिता है। जिड़ी वार वार गल समझौते की आ रही है, समझौते उपर उन्होंने पूरा स्पष्ट कर दिता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अंतिम संस्कार को लैके ही सरकार नाल समझौता होया सी, कोई होर समझौता नहीं सी होया। उन्होंने कहा कि पैसों नूं लैके सरकार नाल कोई समझौता नहीं होया सी कि असी पैसे लैके मन जावांगे, अजिही कोई गल नहीं हुई सी, सिर्फ अंतिम संस्कार ते समझौता होया सी। उन्होंने कहा कि मंत्री का अस्तीफा ते उसदे बेटे की गिरफ्तारी ही साडा समझौता है, ते पुलिस ने साडे कोलों एक हफ्ते का समा मंग लिया है, ते एक हफ्ते बाद फिर असी वड्डी कार्रवाई करांगे। मृतक किसानों का जिस दिन भोग होएगा उस दिन संघर्ष लई वड्डा फैसला लिया जाएगा, वड्डा ऐलान कर दिता जाएगा। हमारा पैसों पर समझौता नहीं है किसान का। अगर सरकार पैसों पर समझौता करना चाहती है तो अपना अकाउंट नंबर बता दें, जो पैसे दिए हैं वो पैसे हम उसके सरकार को वापसी दे देंगे। हमारा समझौता इतना था कि इनका दाह संस्कार हो जाए, हम बॉडी पे कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं हमारा है, क्योंकि उसमें बहुत सी सिचुएशन आती है। अधिकारियों ने और जो हमारे किसान संगठन के लोग थे, उन्होंने जो परिवार के लोग थे, उन सब लोगों की सहमति से जो भी निर्णय हुआ, सबकी सहमति से निर्णय हुआ। करीब 10,000 से ज्यादा लोग वहां पे परसों भी मौजूद थे, दो दिन पहले, और हालात क्या थे उसको देखते हुए ये हुआ। सरकार ने एक हफ्ते का टाइम मांगा है, तो जो मंत्री हैं बगैर उसके इस तरह के बयानबाजी ना करें कि समझौता हो गया और पैसे पर समझौता हो गया। हमारा समझौता है भारत सरकार का जो होम मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे, जिसने कर्मकांड करवाया है। हमारा समझौता है कि उसका लड़का जो टंडी टंडी है उसका लड़का गिरफ्तार हो और इसमें एक हफ्ते का टाइम है, पुलिस प्रशासन ने एक हफ्ते का टाइम मांगा है। जिस दिन यहाँ पे भोग रसम पगड़ी होगी, जो भोग होता है वो होगा, उस दिन हम कैड़ा निर्णय यहाँ पे लेंगे।